बांसवाड़ा जिले के इतिहास में पहली बार निकली हाथी की शव यात्रा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर क्षेत्र में आज एक हाथी की शव यात्रा निकाली गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे एवं शव यात्रा में शामिल हुए। हुआ यह था कि चित्रकूट से साधुओं का एक दल बांसवाड़ा आया हुआ था, जिनके साथ दो हाथी थे। इनमें से एक हाथी सल्लोपाट गांव में अचानक बीमार हो गया। साधु रामबाबू ने बताया कि मंदिर के पास में रात्रि विश्राम के बाद सुबह हाथी बीमार मिला। ऐसे में पास के एक व्यक्ति जो कि पशु का उपचार करता था, उसे भी बुलाया गया। साथ में बांसवाड़ा शहर से डॉक्टर नेत्रपाल सिंह संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में चिकित्सकों की एक टीम भी वहां पहुंची, जिसमें डॉक्टर राजेश नवा, डॉक्टर केशव राणावत, रजनीश जैन व अन्य लोग शामिल थे। इन्होंने हाथी का उपचार किया, पर वह हाथी को बचा नहीं पाए। डॉक्टरों ने बताया कि जंगल में हाथी जहरीली घास खा गया था, इसी कारण उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। इस पर आज उसकी शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान हाथी के शव को उठाने के लिए एक क्रेन मंगाई गई और क्रेन से इसे बांधकर उठाया गया और एक बड़े गड्ढे में इसे दफना दिया गया। हाथी की शव यात्रा में डीजे पर भजन चल रहे थे एवं हजारों की संख्या में शामिल लोग भगवान गणेश का रूप माने जाने वाले गजराज की शव यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों से गजराज को विदाई दी। विराठोड़, गोफर्न टीवी, बांसवाड़ा। ले जा सकते हो डायरेक्ट।